दोस्तों जब 125 सीसी के सेगमेंट के स्कूटर्स की बात की जाती है और ये टीवीएस एंटोर का नाम लिया जाता है, तो आपके माइंड में सबसे पहले जो आता है कि टीवीएस एंटोर के सबसे ज्यादा स्टाइलिश है या फिर स्पोर्टी सा स्कूटर्स है। और अभी जो आप ये फ्रेम में स्कूटर्स देख रहे हैं, ये तीनों ही टीवीएस एंटोर के वो वेरियंट है जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है या फिर जिनको सबसे ज्यादा खरीदा जाता है। और मैंने खुद ये टीवीएस एंटोर पर काफी सारा कंटेंट बनाया हुआ है और आपको बताया हुआ कि आपको इनमें से कौन सा स्कूटर खरीदना चाहिए। जैसे कि अगर आप ये रेस एडिशन को देखते हैं तो ये देखने में काफी कूल सा लगता है, और अगर आप ये टीवीएस एंटोर के एक्सपी वेरियंट को देखते हैं तो दोस्तों ये 125 सीसी के सेगमेंट में सबसे ज्यादा पावरफुल स्कूटर हो जाता है। वहीं पर दोस्तों अगर आप ये टीवीएस एंटोर के एक्सटी वेरियंट को देखते हैं तो ये 125 सीसी के सेगमेंट में सबसे महंगा स्कूटर भी है। और फीचर्स के मामले में इसमें आपको दो दो डिस्प्ले दी जाती है, और फीचर्स के मामले में आप कह सकते हैं कि 125 सीसी के सेगमेंट में जितने फीचर्स आपको ये टीवीएस एंटोर के एक्सटी वेरियंट में मिलते हैं, इतने फीचर्स आपको किसी भी वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको ये तीनों ही वेरिएंट्स कंपेयर करके बताने वाला हूं कि आपको आपकी जरूरतों के हिसाब से इनमें से कौन सा वेरिएंट खरीदना चाहिए और इनमें क्या क्या फर्क आता है, और अगर आप आज के टाइम में इनको खरीदने जाते हैं तो फिर ये आपको कितने के ऑन रोड पड़ने वाले हैं। और सबसे पहले इनके डिजाइन, लुक्स या फिर बिल्ड क्वालिटी वगैरह के मामले में बात की जाए तो दोस्तों देखिए, टेक्निकली तीनों ही स्कूटर्स के लुक्स में कोई भी फर्क नहीं है। तीनों ही स्कूटर्स आपके प्लास्टिक बिल्ड में दिए जाते हैं और टेक्निकली तीनों के ही डिजाइन में कोई भी ऐसा फर्क नहीं है। जो भी डायमेंशंस वगैरह है वो तीनों ही स्कूटर्स की सिमिलर है, और लुक्स के मामले में भी तीनों ही स्कूटर्स पर आपको काफी अच्छे खासे स्टिकर्स भी दिए जाते हैं। और सबसे पहले अगर ये रेस एडिशन के मामले में ही बात की जाए तो दोस्तों आप फ्रंट से ही देख सकते हैं कि काफी सारे आपको ग्राफिक्स दिखाई देंगे, जैसे कि रेस फ्लैग हो गया, और स्कूटर्स में आपको अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन दिखाई देंगे। जैसे कि अगर आप इसका वाइजर देखेंगे, ये आपको डुअल टोन में दे रखा है। फ्रंट में जो पैनल से इधर भी आपको अलग अलग कलर ट्रीटमेंट दिखाई देगा, और मडगार्ड भी डुअल टोन में दिया जाता है। वहीं पर अगर आप साइड में भी जितना भी स्कूटर्स को देखेंगे तो आपको अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन दिखाई देंगे। जैसे कि अगर आप इंटीरियर में भी देखेंगे तो आपको इसका ग्लॉसी बॉडी कलर हो गया, इधर आपकी मैट फिनिशिंग हो गई, मतलब कि लुक्स के मामले में काफी स्पोर्टी से ये स्कूटर्स लगते हैं। और ऐसे ही ये रेस एक्सपी के साथ भी अगर आप इसको देखेंगे तो ये भी आपको डुअल टोन में या फिर आपको अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन में दिखाई देगा। इधर भी आपको रेस फ्लैग्स, जैसे कि आपको काफी ब्राइट रेड कलर दिया जाता है, ग्लॉसी फिनिशिंग भी दे रखा है, और साइड में भी 125 सीसी की बैजिंग, आपको रेस एक्सपी का स्टिकर, या फिर अगर आप इंटीरियर में भी देखेंगे तो इधर भी आपको अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन दिखाई देंगे, जैसे कि ऊपर सिल्वर कलर, रेड कलर, और पीछे आपको काफी बड़े बड़े इस पर भी ग्राफिक्स दिखाई देंगे। मतलब कि ग्राफिक्स वगैरह के मामले में ये स्कूटर भी आपको काफी स्पोर्टी सा दिया जाता है। और एक लुक्स के मामले में जो चीज आप नोटिस करेंगे कि इसके व्हील्स आपको रेड कलर के दे रखे हैं, और ये जो टीवीएस एंटोर का सबसे महंगे वाला एक्सटी वेरिएंट है, इस पर भी आप यही देखेंगे कि इसमें भी आपको काफी अच्छे खासे कलर कॉम्बिनेशन दिखाई देंगे। जैसे कि आपको क्यान ग्रीन कलर दिखाई देगा जो कि हाईलाइट होकर काफी अच्छा सा लगता है, और ये भी ऐसे ही डुअल टोन कलर ट्रीटमेंट के साथ दिया जाता है। अगर आप इसके भी अंदर के पैनल्स को देखते हैं तो दोस्तों इधर आपको क्यान ग्रीन कलर काफी अच्छा सा दिखाई देगा, और ऐसे ही इधर आपको मैट फिनिशिंग, ग्लॉसी फिनिशिंग दिखाई देगी, और पीछे भी आपको ऐसे ही क्यान ग्रीन और थोड़ी सी पर्पलिश टोन में ये स्कूटर दिया जाता है। मतलब कि अगर आप इनमें से कोई सा भी स्कूटर देखते हैं तो दोस्तों ये तीनों ही स्कूटर्स देखने में काफी स्पोर्टी से लगते हैं। और टीवीएस वालों ने तो अपनी ओर से तीनों ही स्कूटर्स के लुक्स के मामले में काफी अच्छे से काम करके दे रखा है, और अब यहाँ पर आपकी अपनी पर्सनल चॉइस हो जाती है कि आपको इनमें से कौन सा देखने में ज्यादा अच्छा लगता है, किसके ग्राफिक्स या फिर किसकी कलर टोन आपको ज्यादा अच्छी लगती है। बाकी अगर आप मेरे से कलर ऑप्शंस के मामले में बात करते हैं दोस्तों, ये जो टीवीएस एंटोर का एक्सटी वेरिएंट है इसमें आपका एक ही कलर आता है जो कि आपके सामने है। वहीं पर दोस्तों अगर आप ये टीवीएस एंटोर के एक्सटी वेरिएंट के मामले में बात करते हैं तो इसमें भी आपका एक ही कलर आता है जो कि आपके आगे की आपको ये रेड ब्लैक टोन के साथ दिया जाता है, जिसके एलॉय व्हील्स भी आपको रेड कलर के दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप इसकी ये रेस एडिशन के मामले में बात करते हैं तो फिर इसमें आपके तीन कलर्स आते हैं। पहला तो आप ये देख सकते हैं कि जो कि सबसे नए वाला कलर है कि इसमें आपको एक ब्लू कलर दिया गया है। इसके अलावा रेस एडिशन में शुरू से ही आपके दो और कलर्स भी आते हैं, जिसमें से एक तो इनका रेड कलर आता है और दूसरा येलो आता है। और लाइट्स और इंडिकेटर्स के मामले में भी ये तीनों ही स्कूटर सेम ही है। तीनों के ही फ्रंट में आपको DRLs भी दिए जाते हैं, और तीनों का ही जो फ्रंट हेडलैम्प का सेटअप है ये आपको LED में दिया जाता है, और जो इंडिकेटर्स है ये तीनों में ही आपको ऐसे ही दिए जाते हैं जो कि आपके हैलोजन बल्ब के होते हैं। वहीं पर दोस्तों अगर आप रियर लाइट के मामले में बात करते हैं तो दोस्तों जो रियर की लाइट है ये भी आपको LED में दी जाती है, और इधर भी आपको कुछ DRLs टाइप की कुछ लाइट्स भी दी जाती है। और दोस्तों जैसे कि मैं बता रहा था कि तीनों में सेम सी है, तो आप देख भी सकते हैं कि ये जो एक्सट्री वेरिएंट है इसमें भी बिल्कुल ऐसा ही हेडलैम्प ग्लो कर रहा है जैसा कि मैंने आपको इसके रेस एडिशन में दिखाया था। व्हील, सस्पेंशन, टायर्स और ब्रेक्स के मामले में देखने से ही पता चलता है कि तीनों स्कूटर्स के फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक दिए जाते हैं, और तीनों में ही आपको एक ही साइज के डिस्क ब्रेक दिए जाते हैं। और अगर आप टायर्स के सेक्शन के मामले में बात करते हैं तो दोस्तों तीनों ही स्कूटर्स में आपको
12 इंच के फ्रंट और रियर व्हील्स दिए जाते हैं और तीनों स्कूटर्स के जो टायर सेक्शन है वो भी आपके सिमिलर ही है। वहीं पर दोस्तों अगर आप सस्पेंशन सेटअप के मामले में बात करते हैं तो दोस्तों देखने से तो यही लगता है कि तीनों के ही सस्पेंशन में कोई भी चेंज नहीं है, लेकिन दोस्तों आपका जो ये रेस एडिशन है और जो ये दूसरा एक्सटी एडिशन है इनके फ्रंट में आपको जो हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर्स दिए जाते हैं ये आपको डैम्पर्स के साथ दिए जाते हैं और इन दोनों का जो सस्पेंशन का सेटअप है वो बिल्कुल एक सही है। लेकिन ये जो टीवीएस एंटोर्क का एक्सटी वेरियंट है इसके लिए अगर आप इसकी वेबसाइट पर जाते हैं, मतलब कि अगर आप टीवीएस की वेबसाइट पर जाते हैं और थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो वहाँ पर मेंशन है कि इसके ये जो सस्पेंशन है इसमें आपको हाइड्रोलिक डैम्पर्स नहीं दिए गए हैं जो कि बाकी और दो स्कूटर्स में आपको दिए जाते हैं। और रियर सस्पेंशन के मामले में भी ऐसा ही है कि देखने में तो ऐसा ही लगता है कि ये जो आपकी शॉक एब्जॉर्बर की यूनिट है ये ऐसी ही है जिसकी बाकी और दो वेरिएंट्स में, लेकिन ये जो पर्टिकुलर एक्सटी वेरिएंट है इसके लिए टीवीएस वाले अलग टेक्निकल टर्म का इस्तेमाल करते हैं और ये इन्फॉर्मेशन आपकी डिस्प्ले पर भी आ जाएगी। आप वहाँ से देख सकते हैं कि टीवीएस वाले इनके सस्पेंशन के लिए क्या क्या टर्म इस्तेमाल करते हैं और क्यों मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो एक्सटी वेरिएंट है इसमें टीवीएस वालों ने आपको अलग सस्पेंशन सेटअप दे रखा है। और एक जो मैं आपको व्हील साइज का बता रहा था कि दोनों स्कूटर्स में आपको 12 इंच के व्हील तो दिए जाते हैं, लेकिन दोस्तों जब आप एलॉयज के डिजाइन को देखते हैं तो ये जो आपका रेस एडिशन है या फिर जो आपका एक्सपी एडिशन है इनमें आपको एक से ही डिजाइन के व्हील्स दिए जाते हैं, लेकिन बस इसमें आपको कलर का फर्क आ जाता है। जैसे कि ये जो एक्सपी एडिशन है इसमें आपको रेड कलर के एलॉय व्हील्स दिए जाते हैं, लेकिन दोस्तों एलॉयज का फर्क एक्सटी में भी है। एक्सटी में भले ही आपको ब्लैक कलर के व्हील दे रखे हैं लेकिन जब आप डिजाइन को देखते हैं तो दोस्तों ये जो एक्सटी में आपको एलॉय व्हील्स दिए गए हैं इनमें टीवीएस वालों ने अलग तरह के एलॉयज दे रखे और ऑन पेपर इनके व्हील्स में या फिर सस्पेंशन में आपको थोड़ा बहुत फर्क करके दे रखा है, लेकिन दोस्तों जब आप इन स्कूटर्स को चला रहे होते हैं तो टेक्निकली तीनों ही स्कूटर्स के सस्पेंशन के साथ आपको पता नहीं चलता है कि आप कौन से सस्पेंशन को चला रहे हैं और आप कौन सा स्कूटर चला रहे हैं। और यहाँ पर तीनों ही स्कूटर्स के जो सस्पेंशन है वो काफी अच्छा परफॉर्म भी करते हैं। फीचर्स और कंट्रोल्स के मामले में टीवीएस एंटोर्क उन स्कूटर्स में है जिसमें कि आपको लगभग सारे ही स्टीयरिंग कंट्रोल्स दिए जाते हैं, जैसे कि आपको लो बीम, हाई बीम, पास स्विच, इंडिकेटर का स्विच, हॉर्न स्विच। वहीं पर दोस्तों अगर आप राइट हैंडल पर देखेंगे तो इसमें आपको किल स्विच भी दिया जाता है, उसके साथ साथ आपको हजार्ड बल्ब के लिए अलग से एक बटन दिया जाता है जिससे कि आपके चारों इंडिकेटर्स एक साथ ग्लो कर जाते हैं और उसके साथ आपका इलेक्ट्रिक स्टार्ट वाला बटन हो गया। और वहीं पर दोस्तों अगर आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी देखते हैं तो इसका आप कोई सा भी वेरिएंट देखो उसमें आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जाता है जिसमें कि आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। और आप भी देख सकते हैं स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज हो गया, आपके इंजन का टेम्परेचर वाला हो गया, ऊपर आपको ट्रिप एफ दिखाई दे रही है, वहीं पर आपको डिजिटल क्लॉक भी दे रखी है, ऑडोमीटर भी हो गया। और अगर आप इसको थोड़ा सा टोकल करते हैं तो दोस्तों आप देखेंगे कि इसमें आपकी लैप टाइमिंग भी आ गई और इसमें आप सारी लैप की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं जैसे कि एवरेज स्पीड वगैरह होगी या फिर लैप टाइमिंग में आपने कितनी देर चलाया है या फिर कितने किलोमीटर आप चले हैं। और उसके बाद दोस्तों अगर आप इसको फिर से दबाते हैं तो फिर ये ट्रिप ए पर आ जाता है, ट्रिप बी आ गई और उसके बाद ट्रिप एफ आ गई। और अगर आप इसको थोड़ा सा और टोकल करते हैं तो इसमें आपको राइडिंग मोड भी दिए जाते हैं जैसे कि स्ट्रीट मोड हो गया, स्पोर्ट्स मोड हो गया और उसके बाद लैप वाला मोड हो गया। और इसके साथ साथ इसमें आपको ब्लूटूथ ऐप कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स भी दिए जाते हैं, ये स्कूटर आपका स्मार्टफोन से भी कनेक्ट हो जाता है और फिर आपके जीपीएस नेविगेशन जैसे फीचर्स भी इसमें आपको दिए जाते हैं जिनके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है और आपको बता रखा है कैसे कनेक्ट होता है, इसमें क्या क्या फीचर्स आते हैं। और ये तो हो गए ये रेस एडिशन के फीचर्स। वहीं पर दोस्तों अगर आप इसका ये एक्सटी वेरिएंट खरीदते हैं तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको ऐसे ही सारे के सारे हैंडल में कंट्रोल्स दिखाई दे जाएंगे। वहीं पर दोस्तों अगर आप इसका ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखते हैं तो ये देखने में आपको ऐसा ही लगेगा जैसे कि आपका रेस एडिशन वाला है, लेकिन दोस्तों इसमें आपको थोड़े से एक्स्ट्रा फीचर्स दे रखे हैं। जब आप इसको ये स्मार्टफोन से कनेक्ट कर लेते हैं तो दोस्तों इसमें आपको वॉइस कमांड जैसे फीचर्स भी दिए जाते हैं और इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना करके आपको बता रखा है कि कैसे वो वॉइस कमांड वाले फीचर्स काम करते हैं और आप क्या क्या कमांड्स इसको दे सकते हैं। और फीचर्स के मामले में एक और चीज़ की टीवीएस एंटोर्क के बूट में आपको यूएसबी चार्जिंग के लिए ऑप्शन तो दिया जाता है, लेकिन दोस्तों अगर आप ये लाइट देखेंगे ये सिर्फ आपको रेस एडिशन में ही दी जाती है, क्योंकि फिलहाल आपके सामने तीनों ही स्कूटर्स के बूट ओपन है और आप देख सकते हैं कि ये जो टीवीएस एंटोर्क का एक्सपी वेरियंट है इसमें भी आपको ये लाइट नहीं दे रखी है। और वहीं पर दोस्तों अगर आप इसका ये एक्सटी वेरिएंट देखते हैं तो दोस्तों इसमें भी आपको इधर कोई भी लाइट नहीं दी जाती है, लेकिन जो यूएसबी चार्जिंग है वो आपको ये तीनों ही वेरिएंट में दी जाती है। और स्टीयरिंग कंट्रोल्स और ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के मामले में जब आप ये टीवीएस एंटोर्क के एक्सपी वेरिएंट को देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक बटन अलग दिखाई देगा जो कि आपका इंटेलिगो वाला हो गया, मतलब कि अगर आप इसको ऑन करके चलेंगे और फिर आपका स्कूटर सिग्नल्स पर बंद हो जाएगा तो वो आप इसको मतलब ब्रेक लेकर के एक्सेलेरेट करके स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये फीचर बस आपको ये टीवीएस एंटोर्क के एक्सटी वेरिएंट में ही दे रखा है, बाकी और दो वेरिएंट में इसकी जगह आपको किल स्विच दिया जाता है। बाकी इसके अलावा जो आपके और हैंडल बार्स के कंट्रोल है वो आपको ऐसे ही इसमें भी दे रखे जैसे कि आपको रेस एडिशन और रेस एडिशन के एक्सपी वेरिएंट में दिए जाते हैं, लेकिन दोस्तों जब आप इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखते हैं तो ये आपको काफी अलग दिखाई देगा और ये आपको दो दो डिस्प्ले में अलग अलग दे रखा है। अगर आप पहले वाली डिस्प्ले देखते हैं तो दोस्तों इसमें आपका स्पीडोमीटर हो गया, आपका फ्यूल गेज हो गया, ऑडोमीटर हो गया और उसके साथ साथ आपके
ट्रिप मीटर्स हो गए, जिसको अगर आप ये मोड वाले बटन से टॉगल करते हैं तो दोस्तों जो दूसरे वाली डिस्प्ले है ये थोड़ी सी टॉगल हो जाती है। इसमें आप देख सकते हैं कि राइज स्टार बेस्ट लैप वगैरह की इन्फॉर्मेशन आ गई और आपकी डेट वगैरह भी आ रही है और इसमें आपको डिजिटल क्लॉक भी दे रखी है। उसके बाद अगर आप इसको थोड़ा सा और टॉगल करते हैं तो फिर स्ट्रीट मोड आ गया और यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपने इस मोड में कितनी देर राइड किया है और कितने परसेंट आपने इको मोड में चलाया और कितने परसेंट आपने पावर मोड में चलाया। उसके बाद दोस्तों स्पोर्ट्स मोड की सेम ऐसी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और जब आपके स्पोर्ट्स मोड में आएंगे तो इसमें आपको टैकोमीटर भी दिखाई देगा, उसके साथ साथ आपकी सारी की सारी राइडिंग इन्फॉर्मेशन ऐसे ही इसमें भी आ जाएगी। और उसके बाद दोस्तों अगर आप इसको थोड़ा सा और टॉगल करते हैं तो फिर इसमें आपको बैटरी वोल्टेज जैसी इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है और उसके बाद लास्ट लैप वगैरह की इन्फॉर्मेशन आ गई, उसके बाद बेस्ट लैप वगैरह की इन्फॉर्मेशन आ गई। और उसके बाद अगर आप इसको थोड़ा सा और टॉगल करते हैं तो दोस्तों आप देखेंगे कि जो आपकी पहले वाली डिस्प्ले है उधर भी कुछ इन्फॉर्मेशन चेंज हो रही है, जैसे कि फिलहाल ये आपको ट्रिप ऐप शो कर रहा है और वहीं पर मैं इसको थोड़ा सा और टॉगल करता हूँ तो दोस्तों फिर ये सारी की सारी मोड वगैरह की इन्फॉर्मेशन आने के बाद इसमें आपकी ट्रिप ए और ट्रिप बी जैसी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। और वहीं पर दोस्तों अगर आप इस वाले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं तो फिर इसमें आपको कुछ और एक्स्ट्रा ही फीचर्स दे रखे हैं और उनके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। पर्टिकुलर आपको ये TVS Ntorq का XT वेरियंट ही कनेक्ट करके दिखाया हुआ है कि इसमें आपको क्या वो एक्स्ट्रा फीचर्स दिए जाते हैं जो कि आपको ये TVS Ntorq के XP वेरिएंट और ये जो इनका रेस एडिशन है इनकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में नहीं दिए जाते हैं। और सीट स्पेस कंफर्ट और कन्वीनियंस वगैरह के मामले में तीनों ही स्कूटर्स में कोई भी फर्क नहीं है और स्पेशियस तो ये TVS Ntorq कुछ ज़्यादा होता ही नहीं है। और कन्वीनियंस के मामले में मुझे एक शिकायत ये TVS Ntorq के साथ लगती है कि अगर आप आजकल के और स्कूटर्स देखेंगे तो उनका जो ये फ्यूल टैंक होता है जो सीट होती है वो आगे से ही ओपन हो जाती है, लेकिन आप TVS Ntorq का कोई सा भी वेरिएंट खरीद लो इनमें आपको आज भी पीछे ही चाबी लगानी होगी, इधर से ही आपका फ्यूल गेज और आपकी सीट ओपन होती है। तो दोस्तों जहाँ TVS वालों ने इतने सारे फीचर्स TVS Ntorq में दे दिए हैं और इतने सारे इनके वेरिएंट्स दे रखे हैं तो दोस्तों वहां पर अगर ये TVS वाले थोड़ा सा और काम करते और ये काम भी अगर आपके आगे से ही हो रखे होते तो वो थोड़े से और ज्यादा बेटर रहते और ये सब आपके लिए और ज्यादा कंफर्टेबल रहता। और इंजन और परफॉर्मेंस के मामले में वैसे तो तीनों ही स्कूटर्स में आपको 125cc के ही इंजन दिए जाते हैं और TVS Ntorq का आप कोई सा भी वेरिएंट खरीद लो ये काफी पावरफुल से स्कूटर्स होते हैं, लेकिन दोस्तों यहां पर थोड़ा सा फर्क है। अगर आप ये TVS Ntorq का रेस एडिशन खरीदते हैं या फिर आप XT वेरिएंट खरीदते हैं तो फिर दोस्तों ये स्कूटर्स आपकी 9.5 BHP के आसपास की पावर निकालते हैं, वहीं पर दोस्तों अगर आप इसका ये XP खरीदते हैं जैसे कि इसके नाम में ही एक्स्ट्रा पावर है तो दोस्तों ये स्कूटर आपका 10 BHP से ऊपर की पावर निकालता है। और ऑन पेपर पावर फिगर्स के मामले में आप कह सकते हैं कि जिस बजट में TVS Ntorq 125 आता है उस सेगमेंट में इससे ज्यादा पावरफुल कोई और स्कूटर नहीं आता है और 125cc के सेगमेंट में TVS Ntorq का XP वेरिएंट ही सबसे ज्यादा पावरफुल स्कूटर है। और देखिए अब मैंने ये तीनों ही स्कूटर्स की जो स्पेसिफिकेशंस वगैरह थी या जो भी इनकी परफॉर्मेंस वगैरह है उनके बारे में काफी अच्छे से आपसे बात कर ली है। अब दोस्तों अगर खरीदने वगैरह की बात की जाए कि आपको आपकी जरूरतों के हिसाब से इनमें से कौन सा स्कूटर खरीदना चाहिए तो दोस्तों पहले मैं आपको कुछ ना खरीदने के रीजंस बता देता हूं। तो दोस्तों अगर आप अपने लिए कोई स्पेशियस सा स्कूटर देख रहे हैं तो दोस्तों इन तीनों में से या फिर आप TVS Ntorq का कोई सा भी वेरिएंट खरीदिए, TVS Ntorq इतना ज्यादा स्पेशियस तो आपके लिए नहीं रहने वाला है। लेकिन अगर आप इसके अलावा थोड़े स्पोर्टी लुक्स वाला स्कूटर देख रहे हैं जिनमें कि आपको फीचर्स वगैरह भी आपको अच्छे खासे मिल जाए और स्कूटर परफॉर्म भी करे तो दोस्तों फिर आप ये TVS Ntorq के किसी भी वेरिएंट पर पैसे लगा सकते हैं। और मुझे जो TVS Ntorq का सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट लगता है वो TVS Ntorq का ये रेस एडिशन लगता है जिसकी दिल्ली एक्सशोरूम की मतलब आज के टाइम में 93,000 रुपए के आसपास है और इसमें भी आपको ऑलमोस्ट सारे ही फीचर्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको थोड़े से और फीचर्स मिले या फिर आपका स्कूटर थोड़ी सी और ज्यादा पावर निकाले तो दोस्तों फिर आप 4,500 रुपए ज्यादा देने के बाद ये TVS Ntorq के XP वेरिएंट को भी ले सकते हैं जिसके लिए आपको 4,500 रुपए और ज्यादा देने पड़ रहे हैं। इसकी दिल्ली एक्सशोरूम की मतलब 96,000 रुपए के आसपास रखी गई है और 4,500 रुपए ज्यादा देने के बाद आपको इंजन में थोड़ी सी ज्यादा पावर मिल जाती है। लेकिन अगर आपका इतने में भी मन नहीं बढ़ता है और आप कहते हैं कि नहीं भैया मुझे पावर तो नहीं चाहिए लेकिन हाँ फीचर्स मुझे ऐसे चाहिए कि मुझे बाकी किसी और स्कूटर में ना मिले और जितने फीचर मेरे स्कूटर में हो इतने किसी और स्कूटर में फीचर्स ना हो तो दोस्तों फिर आप ये TVS Ntorq के XT वेरिएंट की ओर देख सकते हैं, क्योंकि जैसे ये डुअल डिस्प्ले वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको इसमें दिया जाता है और ये कनेक्ट होने के बाद आपको क्रिकेट का लाइव स्कोर या फिर व्हाट्सएप वगैरह की मैसेज की नोटिफिकेशन भी देता है जिसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका कि इस पर अलग से वीडियो बनी हुई है दोस्तों वो तो आप उसमें भी देख लेंगे। लेकिन हाँ फीचर्स वगैरह आपको चाहिए तो फिर इससे ज्यादा फीचर्स वाला स्कूटर आपको मार्केट में नहीं मिलने वाला और जैसे कि इसमें आपको ज्यादा फीचर्स दिए जा रहे हैं तो दोस्तों फिर इसके लिए आप कीमत भी ज्यादा ही देने वाले हैं, क्योंकि इसकी दिल्ली एक्सशोरूम की मतलब 1,04,500 के आसपास है, मतलब कि अगर आप इसको रेस एडिशन से कंपेयर करते हैं तो फिर ये जो फीचर्स आपको एक्स्ट्रा ये TVS Ntorq XT में मिल रहे हैं इनके लिए आपको पैसे भी
एक्स्ट्रा देने होंगे और ये स्कूटर आपको 12-13 हज़ार रुपये ज़्यादा महंगा पड़ने वाला है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से अगर आप कीमतों के हिसाब से देखेंगे और आप वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से देखेंगे तो मुझे ये रेस एडिशन और ये जो आपका एक्सपी एडिशन है इनको खरीदना ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगता है और कुछ ज़्यादा वर्थ लगता है। और वहीं पर ये जो TVS Ntorq XT है इसका मैंने आपको बताई दी कि अगर आपको इसके फीचर कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट करे या फिर आपको इसकी कलर थीम कुछ ज़्यादा ही आपको अट्रैक्ट करे तो तब आप इस पर अपने पैसे लगा सकते हैं। बाकी कीमतों के हिसाब से इसके लिए 12-13 हज़ार रुपये ज़्यादा देना मुझे इतना ज़्यादा वर्थ नहीं लग रहा है। तो दोस्तों यही सब था ये TVS Ntorq के सबसे ज़्यादा पॉपुलर वेरियंट्स के बारे में कि इनमें क्या क्या फ़र्क आता है और आपको आपकी ज़रूरतों के हिसाब से इनमें से कौन सा स्कूटर खरीदना चाहिए। लेकिन अगर अभी भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है या कहीं पर आप अटक रहे हैं तो फिर आप अपनी उस कंफ्यूजन को मुझे कमेंट में बताइए। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जल्द से जल्द आपकी कमेंट पर रिप्लाई दे दूं। और बस आज की इस वीडियो में इतना ही और मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में।